मुझे अभी एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, ये जो बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं या यहाँ जो बीम डालते हैं हम लोग, उसमें लोहा डालने के बजाय स्टील फाइबर और कंक्रीट में डालकर प्रीकास्ट करके डालेंगे तो कॉस्ट सेविंग होती 30%। तो मैंने हमारे सब इंजीनियर को बुलाया और मैंने कहा ये अगर मजबूत है तो 30% आप करोड़ों रुपए के काम कर रहे हैं, ये क्यों नहीं सेव करते आप? नहीं, वो इसके ऊपर ये होगा वो होगा। मैंने बोला जो करना होगा वो, कितना मैंने आखिर में क्या कहा उनको, तुम सरकार में आए हो, तुमको रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं, नई चीज़ को स्वीकारने की तैयारी नहीं, पुराने बाबा आजम के ज़माने के कानून लगाए उस पर कायम बैठे हो, बदलने की इच्छा नहीं, क्योंकि बदलने के बाद अगर कुछ हुआ, अच्छा हुआ तो कोई कहता नहीं, बुरा हुआ तो जिम्मेदारी पकड़ो करके बोलते हैं, इसलिए आपको कुछ करना नहीं। मैंने बोला आप एक IIT को ले लो, आपके चॉइस के 50 करोड़ दे दो और उसको बोलो हमारे डिपार्टमेंट का रिसर्च तुम करो। आपको ताज्जुब होगा, एक कलकत्ता में हमारा एक जो पोर्ट है हल्दिया, यहाँ एक चैनल थी, वो चैनल के ऊपर हर साल हम 250 करोड़ ड्रेजिंग पर खर्चा करते थे। तो मुझे हमारा, मेरा एक IIT इंजीनियर है, मेरा OSD है, बहुत होशियार है, वो इधर उधर बोलते, उसने कहा कि दूसरी चैनल बंद पड़ी है, वो किया तो हमारा ये 200 करोड़ साल के बचेंगे। तो मैंने तुरंत चेयरमैन को कहा कि ये करो, नो सर दिस इज नॉट पॉसिबल, वी एग्जामिन हो गए। तो मैंने उनको कहा कि इसको कोई मालपानी मिलता होगा ड्रेसिंग में, इसलिए नहीं बोल रहा है। मैंने उनके मुंह पर ही कहा उसको, मतलब तुमने मालूम है तुमको कुछ, बोले नहीं। तो मतलब तुमको क्या 250 करोड़ मालपानी मिल रहा है कि तुम नहीं क्यों बोल रहे हो? फिर मैंने IIT चेन्नई के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बुलाया और एक ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंट को काम पे लगाया, उनने कहा ये हो सकता है, हमने वो किया। अब आप बिलीव करोगे बिलीव नहीं करोगे, हमारे 200 करोड़ रुपए साल के बच रहे हैं, 50 करोड़ में काम हुआ।